यह जो मिर्च देख रहे हैं यह है मेघनाथ मिर्च। अच्छा, जो कि सालों भर फलता है, एक बार लगाने के बाद 3 साल तक लगातार फल देता है। यह जो टमाटर है L74 नाम से आता है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का टमाटर है और सालों अगर इसको लगाते हैं तो आप इसका फलन क्षमता देख सकते हैं कितना। बताइए जरा सा, ये हमारे कई दर्शक होंगे जो नहीं देखे होंगे, ये गरम मसाला का पेड़ है, यानी कि बारहों मास फलने का मतलब ये हुआ कि फल लगा फिर वो पका फिर से फला। आम, लीची, अमरूद, अनार सारे पेड़ यहाँ उपलब्ध है, नींबू हो गया, अमरूद हो गया। नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश और आप देख रहे हैं DNY न्यूज। अभी मैं सुपौल के युवा शक्ति नर्सरी में हूँ, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं युवा शक्ति नर्सरी वार्ड नंबर 1 सुपौल, और इस नर्सरी के ओनर हमारे साथ रोशन जी हैं। और आइए हम इस नर्सरी में तमाम तरह के पौधे, फूल वगैरह, जो डेकोरेशन का फूल होता है और तमाम तरह के छोटे बड़े पौधे होते हैं, सारा चीज आपको दिखाने वाला हूं। और क्या कुछ खासियत है इस नर्सरी की, आपको सारा चीज बताने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और रोशन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। सबसे पहले आप बताएं अपने नर्सरी के बारे में कि कौन कौन सा पौधा आप अपने नर्सरी में उपलब्ध रखते हैं। जी हाँ, मेरा नाम रोशन जी हुआ और हम जो युवा शक्ति नर्सरी का ओनर है, और मेरे नर्सरी में जो है सभी तरह का फल, फूल, लकड़ी, शो प्लांट, इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, ऑफिशियल प्लांट और तमाम तरह के औषधीय पौधा तक अवेलेबल रहता है। और मेरे नर्सरी में जो सभी तरह का पेड़ पौधा आपको उच्च क्वालिटी का मिलेगा, तो अगर आप किसी भी तरह का पेड़ पौधा खरीदना चाहते हैं तो आप मेरे नर्सरी में जरूर विजिट करें। बिल्कुल, तो चलिए बिना देर किए हुए थोड़ा सा आपको हम नर्सरी का जो है विजुअल दिखाने का प्रयास करते हैं, कुछ पौधे वगैरह दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं हम, पर जो बगीचा लगा हुआ है फूल का, थोड़ा कैमरामैन से बोलेंगे इधर फोकस करिएगा, ये आप क्यारी वाइज थोड़ा बताइएगा कौन कौन सा फूल है, वो कौन सा फूल है। वो फूल का नाम है भिनका, लेकिन अपने लोग के देसी भाषा में जिसको सदाबहार भी कहा जाता है, और यह सदाबहार का थाई वैरायटी है या इसको हाइब्रिड वैरायटी भी कहा जाता है। उसके बगल में जो है, और ये कौन सा फूल है, ये यह जो फूल देख रहे हैं यह है जिनिया। जिनिया एक गर्मी का फूल होता है और बहुत ही बेहतरीन फूल होता है, आप देख सकते हैं इसमें ढेर सारा कलर भी होता है। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं, इधर थोड़ा फोकस करिएगा कैमरा, ये बताइए कौन सा फूल है सर। यह जो फूल देख रहे हैं इसका नाम है गोफरीना, और गोफरीना जो होता है बहुत ही सुंदर फूल होता है, बहुत काफी टिकाऊ फूल होता है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस का फूल होता है। और इधर देख रहे हैं तमाम तरह का गेंदा फूल लगा हुआ है, टमाटर का जो है पेड़ लगा हुआ है, देख रहे हैं सब फला हुआ है, और मिर्ची का भी किस्म, इधर से थोड़ा मिर्ची का बताइएगा सर, ये कौन सा मिर्ची है। यह जो मिर्च देख रहे हैं यह है मेघनाथ मिर्च। अच्छा, जो कि सालों भर फलता है, एक बार लगाने के बाद 3 साल तक लगातार फल देता है। और इधर ये मिर्च कौन सा है, ये और ये सेम वैरायटी है। सेम वैरायटी है, अच्छा इधर आ जाएंगे थोड़ा सा, इधर दिखाइएगा, देख लीजिए तमाम तरह का इधर फूल वगैरह लगा हुआ है, सब इधर फूल लगा हुआ है, और ये इधर जो है देख लीजिए छोटा छोटा ये लगाया हुआ है, और इधर में देख लीजिए गमला में भी कई तरह का फूल लगा हुआ है। यहाँ देखिए टमाटर जो है बड़ा ही मस्त है लगा हुआ है, कौन सा टमाटर बोलते हैं सर इसको। यह जो टमाटर है L74 नाम से आता है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का टमाटर है और सालों अगर इसको लगाते हैं तो आप इसका फलन क्षमता देख सकते हैं कितना सारा फलता है। बिल्कुल, ये बहुत अधिक मात्रा में फल आता है इसमें, और इधर भी देख रहे हैं पका हुआ है, इधर देख लीजिए। और ये फूल सब कौन सा है सर, यह पिटूनिया है, यह पिटूनिया फूल है, काफी अच्छा फूल है, बहुत जबरदस्त देख रहे हैं, एक ही फूल में कई कलर है, इधर भी देख लीजिए लगा हुआ है कई कलर का जो है लगा हुआ है। और इधर में जो है सर कौन कौन सा ये पेड़ है, अनार है ये क्या? नहीं अनार नहीं है, यह सीजियम है, एक शो प्लांट होता है। अच्छा, और अच्छा। यह अभी ग्रीन है लेकिन थोड़ा दिन के बाद पूरा लाल लाल हो जाएगा, देखते हैं। अच्छा। यहाँ पे लाल होना शुरू हो गया है, ये बिल्कुल लाल हो जाता है, शो प्लांट है। और आगे भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे, ये लेमन है सर ये। हाँ, यह नींबू है, कौन सा नींबू बोलते हैं? यह कागजी नींबू है, कागजी बारहों मास नींबू है, सालों भर फलता है और काफी टेस्टी होता है, काफी टेस्टी होता है। अब आ जाते हैं हम इधर आम वाले इसमें क्यारी में, तो इधर जो है सर थोड़ा सा कौन कौन सा आम है इसमें, इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें सब बेस्ट क्वालिटी का टिश्यू कल्चर लैब द्वारा बनाया गया
प्रोडक्ट है जो कि आपको इसी बार से फल दे देगा। और इसमें आम की प्रकार का बात करें तो इसमें बम्बई, मालदा, किशनभोग, जरदालू, नीलम, मल्लिका, चौसा, रत्ना, अल्फांसो सभी तरह का आम का पौधा इसमें है। अच्छा, कई तरह का आम का भी पौधा है, क्योंकि अभी आम का सीजन भी है, अभी आम का फल आ रहा है। और इधर जो है देख लीजिए, तमाम तरह का डेकोरेशन वाला जो फूल है ये सब लगा हुआ है, इधर देख लीजिए। और ये भी नींबू है ना? नहीं, ये गरम मसाला है। अच्छा, ये गरम मसाला है। दिखाइए जरा सा, ये हमारे कई दर्शक होंगे जो नहीं देखे होंगे, ये गरम मसाला का पेड़ है। तो ये गरम मसाला सर कैसे बनता है, कुछ बताइएगा गरम मसाला तैयार? ये जो पौधा है इसको 36 मसाला या ऑल स्पाइस कहा जाता है, इसको जो है गरम मसाला भी कहा जाता है। इसको हम डायरेक्ट सब्जी में यूज कर सकते हैं। इसका जो पत्ती है या इसका डंठल है, इसको काट के डायरेक्ट सब्जी में या किसी तरह का अगर व्यंजन बनाते हैं तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और कौन कौन सा पेड़ पौधा है सर इधर? इधर जो है बहुत सारा पेड़ है जिसमें कि फलदार पौधा है, जिसमें आम है, लीची है, अमरूद है और कुछ है, ये का भी पौधा है। अमरूद हो गया, इधर दिखाइएगा जरा सा। देखिए अमरूद कौन कौन सा वैरायटी है सर? यह जो अमरूद है यह N97 है। यह जो होता है कि बारह मास फलता है और काफी टेस्टी अमरूद होता है। अच्छा, यानी कि बारह मास फलने का मतलब ये हुआ कि फल लगा, फिर वो पका, फिर से फल लग गया। फिर से फल लग जाएगा, देख सकते हैं इसमें फल आ गया है। अच्छा, दिखाइएगा थोड़ा सा, देख लीजिए फल आना शुरू हो गया। तो फल लगा हुआ, इधर लीची का भी पेड़ है, उधर लीची का है, यहाँ देख लीजिए ये लीची का, ये है सारा तरह का प्लांट जो है लगा हुआ है। एक बार और आगे भी चल के हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। और इधर जो है देख लीजिए, ये सब लीची है। ये सब लीची है। अच्छा, लीची में कौन कौन सा वैरायटी? ये लीची में जो है नॉर्मली जो है शाही आता है। अच्छा। और एक आता है बेदाना। अच्छा, तो यह जो आप लीची देख रहे हैं सारा शाही लीची है, शाही बेदाना लीची है। शाही बेदाना, यानी इसमें जो वो गुठली आता है काफी छोटा छोटा गुठली। हाँ, इसमें जो गुठली होता है काफी छोटा 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 गुठली होता है। और आइए हम इधर भी दिखा देते हैं, ये देखिए, ये भी नींबू है सर, नींबू है, इधर नींबू लगा हुआ है। इधर भी आम का कई तरह का जो है आम का वैरायटी लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो है सुपौल का एकमात्र सबसे बड़ा नर्सरी है, युवा शक्ति नर्सरी। तो सुपौल में कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरह का पेड़ पौधा या फूल वगैरह लेना है तो यहां से आपको बेस्ट क्वालिटी का जो है पेड़ पौधा मिल जाएगा। आम, लीची, अमरूद, अनार सारे पेड़ यहां उपलब्ध है, नींबू हो गया, अमरूद हो गया, सारा पेड़ यहां से आपको मिल जाएगा। और सर, अगर हमारे वीडियो के माध्यम से कोई आता है तो उसका रेट लगाइएगा? आप जो भी दर्शक जो है वीडियो देख के आते हैं तो उनको जो है सभी पौधा जो है बेस्ट क्वालिटी में दिया जाएगा, और सर का वीडियो देख कर आते हैं तो कुछ छूट भी उसमें दिया जाएगा। तो बिल्कुल, अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपको पेड़ पौधा लगाना है और लगाना भी चाहिए, क्योंकि अभी जो अभी का जो हालात है आप देख रहे हैं, इन्वायरमेंट जो है काफी प्रदूषित हो चुका है, तो पेड़ पौधा लगाना भी काफी जरूरी है। और नर्सरी में तो आप जानते हैं कि फल वाले पेड़ ही अधिकतर मिलते हैं, तो पेड़ लगाने का मकसद ये है कि पेड़ भी लगाइए और फल भी खाइए और अपने वातावरण को भी स्वच्छ रखिए। तो पेड़ जरूर लगाइए, एक दो पेड़ तो कम से कम हर एक व्यक्ति को लगाना चाहिए, ये मेरी सलाह है। और रोशन जी हमारे साथ थे, तमाम आपको यहाँ का जो पेड़ पौधा है दिखाने का प्रयास किए। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारा ये प्रयास कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो DNY न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहती है। धन्यवाद।